उसको सुनिए, उसको साथ कीजिए। जैसे ही विश्लेषण शुरू हो जाता है ना, बहुत दिन के बाद में हुआ ना, आपको प्रेम, आपका प्रेम जो है ना बहुत तगड़ा है। जगत में हम क्या, लेकिन दिखता तो आप में है ना। तो आप तो जैसे मछली छिटने के लिए जाता है ना, वहाँ पर डुंडलू भी हो जाए। डुंडलू डुंडलू देखा है था? बोलो आदिवासी में उसको डुंडलू बोलता है और हिंदी में इसको बेंची बोलता है। तो बेंग और बेंची और छोटा छोटा क्या रहता है उसको आप पहचानते हैं, उसने आप बढ़िया से जानते हैं। हम लोग तो उतना मने क्या बोलता है, वो भी मछली के जैसा लगता है, सब एक जैसा लगता है उसको। मैंने हम लोग उतना ना है, ये है तो एक है, एक ही तो जिनिस। लेकिन ये इस बार ये माने अपना पिंजरा जो है, ये नारी का पिंजरा पाया है। हाँ। नारी का पिंजरा पाया है। हाँ। लेकिन इसके अंदर में बैठा हुआ तो वो परमात्मा है। अगले बार में पुरुष पिंजरा पाएगा। हाँ। तो वो जो अंदर का जब दिखेगा, वो डुंडुलू देखेगा ना, मेढक देखेगा ना, क्या देखेगा, वो तो सब एक तो है। उसको अलग अलग भेद वाले दृष्टिकोण से मत देख। हम नहीं देख रहे हैं तो वो आप हमको दिखा रहा है। हाँ, हम ये बात बोल रहे हैं। हाँ, कौन डुंडलू है, कौन बेंची है और कौन क्या है, उसके लास्ट में आप बेंग का परिचय दिया, उसके लिए धन्यवाद। ना ना, मैंने ऐसा नहीं बोला। ना, ना, लास्ट में फिर लेसन पाठ उल्टा सीख के रखेंगे। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि एक ही चाबी, एक चाबी से सब दरवाजा खुलता है। तो मास्टर चाबी है ना। हाँ, तो वो बात हम बोला। आप तो फिर अलग अलग बोल के, वो डुडुलू अलग, ये बोला वो अलग बोला। नहीं ना, हमारा बोलने का अर्थ क्या हुआ? आप एक परमात्मा के बारे में आप बताना, वही हम बताया, बैंक को बता दिया, आप यही है, इसको भजन करो, हो गया है कि नहीं? अच्छा, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे गुरुदेव।